मेरे पास सूचनाएं आ रही थी कि रमन रंजन को लोकसभा लड़ानी है, मुझसे कहा गया था हमने कम नहीं है। जब से देश स्वतंत्र हुआ क्या झांसी ललित को कोई लोकसभा बन पाया आपका? जब से देश आजाद हुआ क्या लोकसभा किसी ने टिकट दिया आपको? कहिए ताकि दिखा दो कि कैसे हम नाक रगड़ दें जब आदमी तब हम वोट देंगे इसको। झांसी की राजनीति में अब सियासी भूचाल आ गया है और जो सियासी भूचाल ले आवे वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी नरंजन। आरपी नरंजन की पत्नी रमा नरंजन एमएलसी हैं और अब जो कछु भी आरपी नरंजन को बयान सामने आओ है वह भूचाल मचा देवे वालों है। इनके पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कछु भी चल रहा है अखबारों के जरिए आप सब लोग की खबर मिल रही है, लेकिन आज जो वीडियो क्लिप्स हम आपको दिखाएं बेहैरान करवे वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेतन को सोच भी विचार भी के लाने मजबूर कर देवे वाली है। आरपी नरंजन को सीधी सीधी जानकारी है थी कि अब की बार झांसी ललितपुर लोकसभा से उनकी पत्नी रमा नरंजन के टिकट होवे की सूचना है। तीन जिला की LIU रिपोर्ट का भी उन्होंने जिक्र करो है, जिसमें बताई जा रही है कि तीन जिला की LIU रिपोर्ट भी कह रही है कि रमा आरपी नरंजन तक की सर्वमान नेता है, लेकिन टिकट नहीं भाव। फिर उन्होंने का कछु कही अपनी समाज से, जो भी वीडियो आओ है जिसमें भी कत नजर आ रहे हैं अपनी समाज से कि आपकी दार ताकत दिखा दो, आपकी दार नाक रगड़वा दो, 4.5 साल गाली देवे और फिर 6 महीना हाथ जोड़े वालों को कैसे भूल सकते हैं। उन्हें इसके अलावा भी बहुत कछु बातें कही। इस दौरान उन्होंने जा भी कही कि आजादी के बाद से कहूँ झांसी ललितपुर क्षेत्र से उस समाज को टिकट मिलो है, उस समाज को मतलब पटेल समाज है। जब वीडियो निकल के सामने आई है झांसी के टहरौली से जैसे होली मिलन को एक कार्यक्रम आयोजित करोगे तो ई कार्यक्रम को लेकर दावा करो जा रहा हो कि इसमें MLC रमा नरंजन भी शामिल भई थी और उनके पति RP नरंजन तो सीधे तौर पे वीडियो में बोलत नजर आ रहे हैं और भाषण देते नजर आ रहे हैं। करीब 15 से 20 मिनट उनने भाषण दो, लेकिन यही भाषण के बीच में उनने कछु ऐसी बातें कही हैं जी को सुन वो, जी को समझ वो और जी पे चिंतन कर वो, शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लाने और प्रत्याशी संगठन के लाने बहुत जरूरी है और बेहद जरूरी है। हम सबसे पहले आपको आरपी नरंजन के उन बयानन की छोटी छोटी क्लिप्स दिखाएं जिसे आप अंदाजा लगाओ कि आखिर झांसी की सियासत में का कछु चल रहा है। का कछु चल रहा है अनुराग शर्मा के एक बार फिर से टिकट होवे के बाद इको अंदाजा तो आप लगातार 3-4 दिन से अखबार में छप रही खबरन से भी लगा सकत हो कि कैसे दो नेतन की ज्वाइनिंग को लेकर विधायकन और संगठन के बीच खींचतान मची है और इके बाद एक आवास पे दो पदाधिकारियों के बीच कौन तरीका से हाथापाई की खबरें आई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी के इको शांत कर दो जावे, लेकिन फिर भी ये खबरें अखबार की सुर्खियां बनी और फिर चौक चौराहन पे चर्चा भई। कछु लोगन ने मजा ले, कछु लोगन ने गंभीरता से ई मसला को समझो, कछु लगन ने पतो लगावे को प्रयास करो कि आखिर विवाद कौन वजह से भाव तो। लेकिन इन विवादन के पचड़ा में नहीं पड़े, कोनों को नाम अपन नहीं ले, कोनों की छवि खराब कर वो अपनों काम नहीं है। लेकिन आरपी नरंजन ने जो कछु भी बोली वो सुनावा बहुत जरूरी है। अब आप सुनो कि ई दौरान का कछु बोले आरपी नरंजन। मेरे पास सूचनाएं आ रही थी कि रमन नरंजन को लोकसभा लड़ानी है, मुझसे कहा गया था हमने कम नहीं है। जब से देश स्वतंत्र हुआ क्या झांसी ललित को कोई लोकसभा बन पाया आपका? जब से देश आजाद हुआ क्या लोकसभा किसी ने टिकट दिया आपको? कहिए ताकि दिखा दो कि कैसे हम नाक रगड़ दें जब आदमी तब हम वोट देंगे इसको। हम इस प्रकार से नहीं दे देंगे, 4.5 साल मुझे गाली दी हो और 6 महीने हमारे हाथ जोड़ लिए हो, हम भूल जाएंगे। बिल्कुल ना भूलो मेरे पंसच सबक सिखा दो, क्योंकि जो लोग हमसे वोट मांगने आते हैं वो भी जुड़े हैं मोदी से, योगी से, वो भी जुड़े हैं साय से, यार की निरंजन भी उनसे जुड़े हैं, हम भी तुम जुड़े हम जुड़े, हम तुम्हारा क्यों एहसान लें, हमें लेना है वहाँ से, तुम्हें वहाँ से आता है कि आपका टिकट, हमें वहाँ से आता है आपका टिकट, हम क्यों तुम्हारे हाथ जोड़ें। MLC 3-3 जिले का, लोकसभा 1.5 जिले का, एक लोकसभा 1.5 जिले का, एक लोकसभा 2 जिले का, आप तो 3 जिले के हो, क्यों दबते हो किसी को? झांसी में गोदू कंपाउंड मकान है, वहां आओ, चाय पियो, मिठाई खाओ, लड्डू खाओ,
सब खाओ लेकिन दूसरे के दरबार में यूं करने ना जाओ, यही मेरी याचिका है। हमसे लोग कहते हैं, नेता लोग, कि आप केवल पटेलों की बात करते हैं। हमने बिल्कुल कहा, आपने टिकट क्यों दिया मुझे? हमने कहा, आपने मुझे क्यों ऐसे बनाया जो गांव का लोग? आज तीन जिले की एलआईयू सीआईडी रिपोर्ट है कि अगर किसी का कोई सेवक है तो आपकी रवानगी नहीं है।